चिल्ड्रन वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अ बॉयज बेस्ट फ्रेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, Who is Mrs. Anderson referring to when she asked, did he arrive? Mrs. Anderson जो हैं, जब वो कहती हैं did he arrive, तो किसकी बात कर रही हैं वो? यहाँ पर बात की जा रही है, here Mrs. Anderson is referring to a real dog which is a Scotch Terrier puppy from Earth. तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना नाम Scotch Terrier puppy, ये एक तरह की dog breed है, काफ़ी छोटा सा कुत्ता होता है, काफ़ी क्यूट सा पपी होता है। और ये जो आप अपनी फ़ोटो में भी यहाँ देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने फ़ोटो भी डाल दिया है कि कौन सा होता है ये ब्रीड, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पपी है इसके बारे में बात की जा रही है मिसेज एंडरसन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है बच्चों, हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर जिमी टू हैंडल द लूनार ग्रेविटी ईजीली। अब जिमी जो था वो लूनार ग्रेविटी को आसानी से कैसे झेल पा रहा था, हैंडल कर पा रहा था। Jimmy could handle lunar gravity easily as he was moon-born and agile compared to any earth-born being. तो यहाँ पर जिमी जो था वो आसानी से लूनार ग्रेविटी को यानी कि मून की ग्रेविटी को हैंडल कर पा रहा था, क्योंकि वो मून बॉर्न था, यानी कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, मून पे हुआ था मे बी। और एजाइल मतलब वो बहुत ही फुर्तीला था, यानी कि अर्थ बॉर्न जो लोगों का जन्म अर्थ पे होता है उनके मुकाबले जो जिमी था वो एजाइल था, यानी कि काफ़ी फुर्तीला था, इस कारण से वो हैंडल कर पा रहा था लूनार ग्रेविटी को। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, हाउ डू वी नो दैट जिमी हैड बीन इन क्रेटर मैनी टाइम्स बिफोर। तो हमको कैसे पता लगता है कि जिमी जो है क्रेटर बोला जाता है बड़े बड़े गड्ढों को, आपने देखा होगा मून जो है मून के ऊपर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वो उन गड्ढों में कई बार जा चुका है, कैसे पता लगता है। जिमी वॉज मून बॉर्न एंड इवन विद द वेट ऑफ स्पेस सूट ही कुड रेस अप इन अ फ्लोटिंग होप दैट मेड द ग्रेविटी सीम नॉन एग्जिस्टेंट। ही कुड इवन मूव ओवर द कर्व्ड अपर एज ऑफ द क्रेटर वॉल एंड डाउन ऑन टू द इनर शेप। ऑल दिस रिवील दैट जिमी वॉज कॉन्फिडेंट इनफ एंड हैड बीन इन क्रेटर मैनी टाइम्स बिफोर। जिमी जो था वो मून बॉर्न था, इसके बारे में तो हमने देख ही लिया, और इवन वो स्पेस सूट पहन के, यानी कि जब वो स्पेस सूट काफ़ी भारी होता है बच्चों आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस सूट पहनने का मतलब हमारे लिए चलना फिरना ही बड़ा मुश्किल होता है, इट्स वेरी हैवी। लेकिन यहाँ पर ये जो जिमी था ये तो स्पेस सूट पहनने के बाद कूद कूद के अच्छल रहा था, जैसे कूदता हुआ हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, यानी कि फुर्तीला था ना, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, और ऐसा लग रहा था कि ग्रेविटी का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। और वो तो जो अपर एजेस होते हैं यानी कि जो क्रेटर होता है ना गड्ढा, बोले तो आपने देखा होगा वोल्केनो देखा होगा, अगर उसको देखोगे आप ध्यान से तो वो भी क्रेटर ही दिखाई देता है, वोल्केनो का जो मुहाना होता है उसको क्रेटर ही कहा जाता है एक तरह से। तो आप देखते हो एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसके चारों तरफ दीवार बनी होती है ना, तो वो उस दीवार के ऊपर भी चल पा रहा था और उसके अंदर की तरफ भी चल पा रहा था। तो ये दोनों ही घटनाओं को देखकर हम कह सकते हैं कि ये जिमी जो था वो कई बार क्रेटर्स में जा चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, द ग्रोन अप्स थॉट द क्रेटर वॉज डेंजरस बट जिमी वॉज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द पॉसिबल डेंजर्स, वाई वॉज ही सो कॉन्फिडेंट। यानी कि वहाँ जितने भी ग्रोन अप्स थे उन सबको पता था कि भाई क्रेटर्स जो होते हैं बहुत डेंजरस हो सकते हैं, अगर उसके अंदर गिर जाए तो वो कितने गहरे होंगे वी डोंट नो, लेकिन जिमी जो था उसको बिल्कुल भी डर नहीं था, उसको डेंजर यानी कि यहाँ जो खतरा था उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था। लेकिन वो कॉन्फिडेंट क्यों था भाई, क्या कारण है? द ग्रोन अप्स थॉट द क्रेटर वॉज डेंजरस बिकॉज दे हैड नेवर बीन देयर। तो ग्रोन अप्स को तो ये लगता था कि ये बहुत खतरनाक होंगे क्योंकि वो पहले कभी वहाँ गए ही नहीं। However, Jimmy was confident enough in the crater as he knew the exact location of every one of the few rocks. लेकिन जिमी इतना confident इसलिए था क्योंकि वो हर जगह वहाँ पर जो भी पत्थर थे, बड़े बड़े rocks थे, छोटे rocks थे, उन सब की location उसको exactly पता थी। इसके अलावा besides this, he couldn't go wrong and lose his way while Robert was with him. लेकिन दूसरी चीज़ ये भी बताई गई है कि वो गलत जगह पर जा ही नहीं सकता था, वो अपना रास्ता भटक ही नहीं सकता था क्योंकि उसके साथ रॉबर्ट था
जो उसको सही रास्ता दिखा रहा था। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, Why does Jimmy's father seem to be waiting for Jimmy to say something? जिमी के पिता जो हैं वो हमको दिखाई देते हैं कि वेट कर रहे हैं किसका, जिमी का, कुछ बोलने के लिए। When he has told him about the dog, जब उसने डॉग के बारे में बताया था उनको, तो जिमी के पापा वेट कर रहे थे कुछ बताने के लिए। अब क्या बात थी देख लेते हैं, क्यों वेट कर रहे थे। Jimmy's father seemed to be waiting for Jimmy's reaction when he told him about the Scotch Terrier puppy, a real dog from Earth. His father tried to convince him on the fact that the dog from Earth is a real one and Robert is only a mechanical imitation. अब जिमी के फादर ने जब उसको बताया कि धरती से, पृथ्वी से स्कॉच टेरियर नामक एक पपी है जो वो यहाँ पर आया है और वो रियल डॉग है, वो हमारे रोबोट की तरह एक इमिटेटेड यानी कि एक नकली डॉग नहीं है, यानी कि कॉपी नहीं है, वो तो रियल डॉग है। हाउ एवर जिमी एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ बाय फ्रॉनिंग दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द रियल डॉग एंड शोड हिज अफेक्शन टू रॉबर्ट। लेकिन जिमी जो था उसने क्या एक्सप्रेशन दिया, उसने अपने माथे को चढ़ा लिया, फ्रॉनिंग बोलते ना माथे पे करवटें पड़ जाती हैं जब बल पड़ जाते हैं, वैसे लकीरें आ जाती हैं, तो उस कंडीशन में वो आ गया और उसने ये भी बता दिया कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है रियल डॉग में। और ये कहते हुए उसने अपने रॉबोट यानी उसका जो डॉग था नकली वाला, उसके अंदर ही अपना प्यार यानी कि उसके प्रति अपनी जो लगाव था वो उसको दर्शाया। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों अभी, हाउ डिड रॉबर्ट गेट इज़ नेम। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर आपको रिमाइंडर एक बार दे दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वीडियोज़ आपको ऐसे और भी मिलते रहें। और बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसमें प्लेलिस्ट के अंदर, आप कोई भी वीडियो उठा के वहाँ से देख सकते हैं, और कोई और रिक्वायरमेंट हो तो वो भी मुझे आप बता सकते हो। रॉबर्ट को ये नाम जो था वो कैसे मिला। रॉबर्ट गॉट हिज नेम फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, उसको दो शब्दों को मिलाकर ये मतलब नाम मिला था। एक नाम था रॉबर्ट और दूसरा था मट। रॉबोट इज़ अ प्रोग्राम्ड मशीन। अब रोबोट क्या होता है वो तो आपको पता ही है, रोबोट यानी कि एक प्रोग्राम्ड मशीन। वाइल मुट इज़ यूज फॉर रियल डॉग, मुट वर्ड जो है वो रियल डॉग के लिए यूज़ किया गया, इसीलिए दोनों को मिला के रोबोट नाम उसको दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन रोबोट एंड द न्यू स्कॉच टेरियर। रॉबोट और न्यू स्कॉच टेरियर यानी कि रियल डॉग जो गया था ना ऊपर, उसमें और रॉबोट में क्या अंतर था भाई। रॉबोट जो है वो एक मैकेनिकल इमिटेशन है, वो तो एक मशीन है बोलो तो। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड वायरिंग एंड सिंपल पॉजिट्रॉनिक ब्रेन। वो एक स्टील से बना है, वायरिंग से बना, मतलब तारों से जोड़ तोड़ किया होगा उसके अंदर, और उसका सिंपल पॉजिट्रॉनिक ब्रेन है। तो सिंपल पॉजिट्रॉनिक ब्रेन है उसके पास, मतलब एक फिक्शनल, मतलब ये काल्पनिक मशीन बताई गई है, डिवाइस बताई गई है जो उसके अंदर डाली गई, यानी कि एक्चुअल में सिंपल पॉजिट्रॉनिक ब्रेन कुछ होता ही नहीं है, रियल सेंस में भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसका यूज़ किया गया ज़्यादातर आइज़ाक एसिमोव जो राइटर हैं उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है इस शब्द का, ताकि वो किसी भी चीज़ को एक मतलब फिक्शनल वे में डिवाइस का नाम बता सके। तो यहाँ पर ये डिवाइस वैसे कुछ नहीं है, फिक्शनल ही है, काल्पनिक नाम है। इट्स नॉट अलाइव, इट्स अ रोबोट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि रोबोट जो है वो जिंदा नहीं है, वो एक रोबोट है। जबकि द न्यू स्कॉच टेरियर इज़ ए रियल डॉग फ्रॉम अर्थ, जबकि जो दूसरा जो स्कॉच टेरियर है वो एक रियल डॉग है जो धरती से आया है। एंड मे शो रियल फीलिंग्स वैन गिवन लव एंड अफेक्शन, लेकिन जब इसको बड़ा प्यार किया जाएगा, इसका बस इससे लगाव रखा जाएगा, इसके साथ खेला जाएगा, तो ये बहुत प्यार और अफेक्शन शो कर सकता है और रियल शो कर सकता है, क्योंकि वो तो रियल डॉग है ना भाई। एट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, वाई डज जिमी होल्ड रोबोट सो टाइटली। जिमी ने रोबोट को बहुत टाइटली पकड़ लिया, क्यों भाई। हाउ डज द डॉग रिएक्ट, और डॉग जो है कैसे रिएक्ट करता है। जिमी हेल्ड रोबोट टाइटली एज बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सचेंज हिम फॉर द स्कॉच टेरियर। जिमी अपने कुत्ते यानी कि उसका जो रोबोटिक डॉग था रोबोट, उसको टाइटली पकड़ लेता है। कारण ये था कि वो उसको बदलना नहीं चाहता, एक्सचेंज नहीं करना चाहता है स्कॉच टेरियर के बदले, क्योंकि रियल डॉग चला गया था ना स्कॉच टेरियर उसके फादर के साथ, तो इस कारण से वो सोच रहा था कि मुझे ये रियल डॉग दिया जा रहा है, तो वो उसको नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने रोबोट को, मैकेनिकल डॉग को टाइटली पकड़ लिया। द डॉग दैट इज़ रोबोट विच हैड नेवर बीन हेल्ड सो टाइटली इन ऑल इट्स एग्जिस्टेंस स्क्वीक्ड हाई एंड रैपिड स्क्वीक्स ऑफ हैप्पीनेस।
अब ये जो रॉबर्ट था, रॉबर्ट बोले तो ये डॉग जो था, जो रोबोटिक डॉग था, मैकेनिकल डॉग था, उसको जब इतनी जोर से पकड़ा गया, जो कि आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया, जब से वो बना था तब से उसको कभी इतना टाइटली हग नहीं किया गया था, जब उसका टाइटली पकड़ा गया तो स्क्वीक करने लगा, यानी चिल्लाने लगा। स्क्वीक मतलब जैसे आवाज़ निकलती है ना चीखने की आवाज़, छोटी वैसे जोर से चीखने लगा। और ये स्क्वीक्स जो थी ये हैप्पीनेस की थी, ना कि किसी दर्द की या डर की थी। अब आगे देखेंगे हम RTC, यानी कि रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों हमारे लिए। बिकॉज ही इज मून बॉर्न एंड कांट विजिट अर्थ, हु इज स्पीकिंग टू हूम, यहाँ पर कौन किससे बात कर रहा है। मिसेस एंडरसन इज स्पीकिंग टू हिज सॉरी मिस्टर एंडरसन इज स्पीकिंग टू हिज वाइफ मिसेस एंडरसन। तो मिस्टर एंडरसन जो है अपनी पत्नी मिसेस एंडरसन से बात कर रहे हैं। हु इज द स्पीकर रेफरिंग टू एज बिंग मून बॉर्न। अब स्पीकर जो है वो मून बॉर्न किसको बोल रहा है। द स्पीकर इज रेफरिंग टू हिज सन जिमी एज बिंग मून बॉर्न। स्पीकर जो है जिमी को मून बॉर्न बता रहा है। टू वॉट क्वेश्चन और स्टेटमेंट हैज़ दिस रिस्पॉन्स बीन गिवन बाय द स्पीकर। अब किस स्टेटमेंट के बदले में ये रिस्पॉन्स दिया गया था। वेन मिसेस एंडरसन सेड दैट जिमी हैज़ नेवर सीन अ रियल डॉग, द स्पीकर मिस्टर एंडरसन रिस्पॉन्डेड बाय अबव स्टेटमेंट। जब मिसेज एंडरसन ने कहा कि जिमी ने कभी रियल डॉग नहीं देखा है स्पीकर से, तो मिस्टर एंडरसन ने रिस्पॉन्ड किया ये लाइन कहकर जो ऊपर लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वॉट इज द स्पीकर गोइंग टू गिव द मून बॉर्न, वो मून बॉर्न को क्या देने वाले हैं। वो तुमको पता ही, एक गिफ्ट के तौर पे उसको स्कॉच टेरियर नामक एक रियल डॉग देने वाले हैं, जो कि जिमी को मिलने वाला था, लेकिन हमने देखा कहानी में कि जिमी जो था बिल्कुल भी खुश नहीं था उस डॉग को लेकर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा RTC का, द अर्थ सैंक बिलो द टॉप ऑफ द क्रेटर वॉल एंड एट वंस इट वॉज पिच डार्क अराउंड हिम, हु इज इन द क्रेटर, इज ही अलोन, क्रेटर में कौन है, क्या वो अलोन है। जिमी इज इन साइड द क्रेटर, क्रेटर के अंदर जिमी है। ही इज अलॉन्ग विद हिज मैकेनिकल डॉग रॉबर्ट, उसके साथ उसका मैकेनिकल डॉग है भाई, वो अकेला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, वाई वॉज द पर्सन नॉट सपोज टू बी इन साइड द क्रेटर। पर्सन जिसकी भी बात की गई है, यानी कि जिमी की, वो तो पीछे आंसर में हमको पता ही लग गया, उसको क्रेटर के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए भाई। अ पर्सन वॉज नॉट सपोज टू बी इन साइड द क्रेटर एज इट वॉज कंसिडर टू बी डेंजरस बाय द ग्रोन अप्स ऑफ द लूनार सिटी। लूनार सिटी के जो ग्रोन अप्स थे, बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, उनका कहना था कि ये खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसके अंदर नहीं होना चाहिए किसी को। इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन सेड मिस्टर एंडरसन बट इट विल बी ईजी टू सी, हु इज़ मिस्टर एंडरसन टॉकिंग टू। मिस्टर एंडरसन किससे बात कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, वो अपने बेटे जिमी से बात करेंगे ना। कहानी अगर आपने पढ़ी है तो फिर बिल्कुल ईजी है आपके लिए, अगर आपने क्वेश्चन कहानी नहीं पढ़ी और पीछे अभी क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपने समझ लिया है, तो आई थिंक क्लियर पता लग जाता है भी किससे बात की जा रही है। वॉट विल बी ईजी टू सी, देखना क्या आसान होगा। द डिफरेंसेज बिटवीन रॉबर्ट अ मैकेनिकल डॉग एंड स्कॉच टेरियर रियल डॉग विल बी ईजी टू सी। अब यहाँ पर दोनों कुत्तों के बीच में जो दो डॉग्स हैं ना, एक तो मैकेनिकल और एक रियल डॉग, इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो देखना काफ़ी आसान होगा। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट डज मिस्टर एंडरसन गो ऑन टू से अबाउट द गिफ्ट द लिसनर इज गोइंग टू रिसीव। अब जो लिसनर यानी कि सुनने वाला जिससे बात की जा रही है, उसको जो गिफ्ट मिलने वाला है उसके बारे में मिस्टर एंडरसन क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहा उन्होंने। मिस्टर एंडरसन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिज सन जिमी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ मैकेनिकल एंड अ रियल डॉग। तो मिस्टर एंडरसन बताते हैं एक रियल डॉग और मैकेनिकल डॉग के बीच के अंतर। एक्सप्लेन्स दैट द न्यू स्कॉच टेरियर इज अ रियल डॉग फ्रॉम अर्थ एंड मे शो रियल फीलिंग्स वैन गिवन लव एंड अफेक्शन। वो ये बताते हैं कि जो स्कॉच टेरियर है वो एक रियल डॉग है अर्थ से, और वो रियल फीलिंग्स शो करता है प्यार और अफेक्शन की। तो बच्चों हम पहुंच गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज द लिसनर रिएक्ट टू वॉट मिस्टर एंडरसन से। लिसनर यानी कि जिमी है, वो कैसे रिएक्ट करता है मिस्टर एंडरसन के कहने पे, जब वो बात बताई गई ऊपर वाले क्वेश्चन वाली।
द लिसनर जिमी फ्रॉन्स एंड होल्ड्स रॉबर्ट टाइटली एज बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सचेंज हिम फॉर द स्कोच टेरियर एंड द लिटल रॉबर्ट विच हैड नेवर बीन हेल्ड सो टाइटली इन ऑल इट्स एग्जिस्टेंस स्क्वीक्ड हाई एंड रैपिड स्क्वीक्स ऑफ हैप्पीनेस। जिमी रॉबर्ट अपने जो मैकेनिकल डॉग को बड़ी ही दूर से उसको पकड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी और डॉग यानी कि रियल डॉग स्कॉच टेरियर के लिए वो उसको एक्सचेंज करे। और दूसरी चीज़, जब उसको मतलब बोलते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं जैसे हमारे कोटे के जफ्फी पा लेते हैं, तो उसको जब वो पकड़ लेता है जैसे टाइटली, तो उसके बाद वो जो मैकेनिकल डॉग है यानी कि रॉबर्ट जो है वो भी चिल्लाने लगता है। यानी कि जब हम किसी को दबा देते हैं ऐसे पकड़े, देखा ना आपने, देखा होगा तारक मेहता में सोडी कैसे पकड़ता है तो ऐसे दबा लेता है, तो उस प्रकार से जो पकड़ता है तो वो चिल्लाने लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो खुशी की चीख होती है ना कि दर्द की। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। ऐसे ही चैप्टर्स के बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन रहेंगे लाइन टू लाइन। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।